मोर और लेस सारी चीजें सिमिलर रहेंगी अगर आप कोई पुराना वर्जन एम एस ऑफिस का यूज कर रहे हो तो सो so, सबसे पहले मैं आपको जो चीजें हैं इनपुट कराने वाली उनके शॉर्टकट्स पे ले जाने से पहले कुछ हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर हैं उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं ये सारे काम कर सकते हैं ऑल दो आई विल नेवर रिकमेंड टू यूज ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने इंसर्ट टैब में जाता हूं यू विल सी इक्वेशन एंड सिंबल दे आर टू थिंग्स अगर आप इक्वेशन पे क्लिक करते हो यू विल सी ये इक्वेशन एडिटर बोलते हैं इसको इस तरह की एक चीज आपके पास ओपन हो जाती है उसी चीज का शॉर्टकट जो है हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट दैट इज ऑल्ट के साथ आप इक्वल टू दबा दो अगर अपने कीबोर्ड पे लेट मी डिलीट दिस अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट के साथ अब इक्वल टू दबाते हो तो भी आपका इक्वेशन एडिटर जो है वो ओपन हो जाता है अब इक्वेशन एडिटर ओपन होने के बाद पहले मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सारी चीजें आपको दिखा दे रहा हूं जैसे आप इक्वेशन पे क्लिक करते हो यू विल सी एक पूरा डायलॉग बॉक्स है मेन्यू यहाँ पे खुल के आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं आपके ग्रीक लेटर्स हैं आपके बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज करते हो मैथमेटिकल टाइपिंग करते वक्त वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बहुत ज्यादा उनको ढूंढना पड़ेगा अगर आप ये फीचर्स में जाते हो तो मान लोको कि फ्रैक्शन टाइप करनी है तो उसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स दिए गए डिफरेंट कि फ्रैक्शन अगर आप चाहते तो उसको आप इस फॉर्मेट में देखना चाहते हो आप इस फॉर्मेट में फ्रैक्शन को देखना चाहते हो वैसे देखना चाहते हो ये सारे फॉर्मैट जो भी फॉर्मेट से आप उस पर क्लिक करो यू विल सी वो यहाँ पर आपका क्रिएट होके आ जाएगा आई एम प्रेसिंग कंट्रोल अगर आपको पावर में कोई चीजें चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मेट है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों के फॉर्मेट्स हैं आपके पास अगर आप ये फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो फॉर एग्जांपल ई टू दी पार्स के लिए तो आप यहां पे टाइप करोगे ई ऊपर टाइप करोगे आप अपना एक्स ये सारी चीजें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप में जाता हूं तो तो आई विल नेवर रिकमेंड कि आप ड्रैगन ड्रॉप में जाओ एक ऑप्शन है जो आपको पता होना चाहिए जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपको रूट क्यूब रूट कोई भी तरह का रूट अगर आपको टाइप करना है तो आप रेडिकल में जा सकते हो आपको इंटीग्रेशन टाइप करना है तो आपको यहाँ पे हर तरह का इंटीग्रल दिखाई दे जाएगा ये आपका क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल है या आपका डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट है आपको समेशन टाइप करने हैं तो समेशन के भी डिफरेंट फॉर्मेट है हम सी एस पेपर में पाई यूज करते हैं तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए गए हैं देन दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं कॉमन ब्रैकेट्स हैं देन स्क्वायर ब्रैकेट हैं कर्ली ब्रैकेट्स हैं एंड इसी में अगर आप नीचे आओगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ब्रकेट्स के दिखाई दे जाएंगे दे ये आप यूज करते जब आपको फंक्शन क्रिएट करने हैं एक फंक्शन जिसके अंदर दो चॉइसज हो तीन चॉइसेज हो वो सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं देन यू कम टू योर

I'm again pressing Control Z and going back to the menu. <coughs> so you will see yeah, accent ke types फॉर एग्जाम्पल जो लोग सी एस पेपर दे रहे हैं तो वहां पर hat बहुत use होता है तो ये hat का format आपके पास आ गया Then आपके limit के formats आ गए और आपकी matrices आ गए और different operators आ गए You can see यहाँ पे वो सारी चीजें दे रखी हैं. बट अगेन यहाँ पे ढूंढना उनको and ड्रॉप करके लाना इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क तो हम ये कभी भी यूज नहीं कर रहे होंगे बस वहां होता है ऐसा कुछ ही मैंने आपको बस यहाँ एक्सप्लेन कर दिया अब आप मैक्सिम टाइम अपना कीबोर्ड कीबोर्ड आप शॉर्टकट्स को यूज करना प्रेफर करोगे मुझे कभी भी इक्वेशन एडिटर को ओपन करना है तो मैं ऐसे इंसर्ट में जाऊंगा या इक्वेशन पे सिलेक्ट करूंगा ये नहीं करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है ऑल्ट के साथ आप क्या प्रेस करोगे इक्वल टू दिस इज योर की शॉर्टकट आप ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करो यू विल सी दिस इज योर की शॉर्टकट वही इक्वेशन एडिटर यहाँ पे खुल के आ जाता है सो so, मैंने इस डॉक्यूमेंट uh, को ऐसे क्रिएट है कि मैंने सेक्शन वाइज इसको डिवाइड है फॉर एक्जाम्पल अगर आपको ग्रीक लेटर्स टाइप करने हैं तो उसको कैसे टाइप करा जाए पहले मैं वो कवर करूंगा इसके अंदर देन जितने भी सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं उनको कैसे टाइप किया जाए देन जितने भी एक्सेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल बार ऊपर लगाना है बार नीचे लगाना है हार्ट यूज करना है स्क्विगल यूज करना है या फिर सिंगल डॉट डबल डॉट यूज करना है उन सारे चीजों को मैं कवर करूंगा देन सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट और फॉर्मेटिंग को हम कवर करेंगे इस क्लास में देन ब्रैकेट जितने टाइप के होते हैं उनको हम कैसे फटाफट टाइप कर सकते हैं एंड डिवीज़न हो गया डिवीज़न में भी आपके मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं आप स्लैश ऐसा यूज करना चाहते हो आप ए बाय बी लिखना चाहते हो तो उनको अलग अलग चीजों को हम कैसे टाइप करें देखते हो कभी नॉर्मल ब्राकेट्स के अंदर मेट्रेस लिख के दिखाई जाती है कभी स्क्वेयर ब्राकेट के अंदर दिखाई देती है तो उनको कैसे टाइप किया जाए देन आपके रूट आ गए कि आपको स्क्वेर रूट टाइप करना है क्यूब रूट टाइप करना है, या किसी भी पावर का आपको रूट निकाल के लेके आना है तो उसको हम कैसे टाइप कर सकते हैं देन योर ये सारी आपकी लिमिट है तो ये सारी चीजें मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर कवर करूंगा मैं क्या करूंगा मैं कुछ कुछ चीजें आपको टाइप करके दिखाऊंगा इस फॉर्म डॉक्यूमेंट को मैंने ऐसा डिजाइन करा है कि अगर आप इसे एग्जाम टाइम में भी हांडी रखो अपने साथ तो आपको हेल्प मिलेगी फॉर एग्जाम्पल जब मैं ग्रीक लेटर्स की शुरुआत करता हूं मुझे अल्फा टाइप करना है आपको कैसे यूज करना है डॉक्यूमेंट को मैं वो बता दे रहा हूँ जो चीज आपको टाइप करवानी है वो आपको फर्स्ट कॉलम में दी गई है देन उसको टाइप करने का जो शॉर्टकट है वो आपको सेकंड कॉलम में दिया गया थर्ड कॉलम मैंने आप लोगों के लिए या अपने लिए करके दिखाने के लिए छोड़ा जहां पे आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो फॉर एग्जांपल पे मैंने लिखा कि अगर आपको ग्रीक अल्फाबेट कभी भी टाइप करने हैं तो आप सबसे पहले बैक स्लैश यूज करोगे बैक स्लैश के बाद आप उस लेटर का नाम लिखोगे और नाम लिखने के बाद आप स्पेस प्रेस करोगे तो विल सी कि आपके पास वो लेटर पूरा टाइप होकर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अल्फा टाइप करना है तो सबसे पहले इक्वेशन एडिटर को ओपन करूंगा ऑल्ट इक्वल टू द बाकी जो ग्रीक लेटर अल्फा है वो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा सेम गो फॉर बीटा ऑल्टवल टू सबसे पहले इक्वेशन एडिटर ओपन होना चाहिए आपका हमेशा ये पूरी क्लास के लिए कॉमन है कुछ भी मुझे टाइप करना है, मैं इक्वेशन एडिटर के अंदर ही टाइप कर रहा हूँ बैक स्लैश बीटा I will write beta, space press you will see, आपका जो लेटर है वो क्रिएट होकर यहाँ पर आ चुका है तो मैंने ऐसे बहुत सारे लेटर्स के लिए यहाँ पे आपको टाइप करने का शॉर्टकट यहाँ पे हुआ है एक छोटी सी चीज मुझे आपको यहाँ पे सिखानी है For example, मुझे डेल्टा टाइप करना है तो क्वेश्चन रिटर के अंदर में बैक स्लैश डेल्टा लिखूंगा प्लीज नोटिस की मैं जब भी ये स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं स्मॉल लेटर्स को भी क्या कर रहा हूं यूज कर रहा हूं स्पेस प्रेस करूंगा यू विल सी आपका डेल्टा यहाँ पे क्रिएट होकर आ गया अगर बाई चांस मैं क्या चाहता हूं कि इस बैक स्लैश के बाद खाली मैंने डेल्टा का डी कैपिटल कर दिया खाली क्या करा डेल्टा का डी कैपिटल कर दिया तो यू विल सी कैपिटल डेल्टा आपका बन के आएगा तो अगर मुझे कैपिटल डेल्टा चाहिए कैपिटल थीटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा लिखना है नॉर्मली तो हम स्मॉल लेटर से यूज करेंगे बट अगर मुझे कैपिटल थीटा बनाना है तो मैं इक्वेशन एडिटर लेके आऊंगा ऑल्ट इक्वल टू से मेरा इक्वेशन एडिटर आ गया बैक स्लैश थीटा का बस मैं क्या कैपिटल करूंगा टी कैपिटल करूंगा एंड यू विल सी कि आपका कैपिटल थीटा यहां पे बन के आ जाएगा सेम गोस फॉर योर गामा आप जब स्मॉल जी लिखते हो तो आपका गामा सिंबल बन के आता है गामा सिंबल बन के आता है लेकिन अगर आपको गामा फंक्शन क्रिएट करना है तो आप जो जी यूज करोगे दैट शुड बी योर कैपिटल जी तो आप चीज को, को प्रैक्टिस कर सकते हो सबके लिए एक ही चीज काम कर रही है बैक स्लैश जो भी आपका लेटर है उसकी स्पेलिंग उसके सारे कैरेक्टर स्मॉल होने चाहिए अगर आप स्मॉल लेटर चाहते हो कैपिटल चाहते हो तो पहला लेटर को आप क्या करोगे कैपिटल कर दोगे और वो टाइप करने के बाद आप क्या करोगे इक्वल टू प्रेस करोगे आपका जो लेटर uh, है वो यहां पे क्रिएट होके आ जाएगा तो ये आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो जितने भी मेरे को याद है एक्चुअल पेपर्स में जितने भी सिंबल्स यूज सॉरी ग्रीक लेटर्स यूज होते हैं वो सारे के सबका शॉर्टकट मैंने यहां पे आपको क्रिएट करके दिया हुआ है तो आप खुद से टाइप करोगे एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस सेकंड सेक्शन जो मैं यूज करने समझाने जा रहा हूं दैट इज योर सिंबल्स कि अगर मुझे प्लस माइनस कहीं पे लिखना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है बैक स्लैश उसके बाद प्लस लिखो माइनस लिखो नॉर्मल टाइप करते जाओ लेकिन ये सब कुछ होगा कहां इक्वेशन एडिटर के अंदर तो सबसे पहले ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे ताकि इक्वेशन एडिटर आ जाए बैक स्लैश प्लस माइनस आपको स्पेस नहीं देना है मैंने कोई स्पेस प्रेस नहीं करा बैक स्लैश प्लस माइनस लिखोगे यू विल सी आपके सिंबल्स यहां पे क्रिएट आ गए सिमिलरली इक्वेशन एडिटर के अंदर माइनस प्लस करोगे सॉरी माइनस प्लस करोगे तो आपका किस तरह का प्लस माइनस लिखना है प्लस माइनस प्लस लिखना है जो भी चीज आपको टाइप करनी है उस ऑर्डर में आप क्या करोगे बैक स्लैश के बाद लिख दोगे आपको लेस देन इक्वल टू बनाना है आपको क्या करना है लेस देन इक्वल टू बनाना है तो उसके दो शॉर्टकट है ऑल दो आई विल प्रेफर ऑलवेज जो पहले वाला शॉर्टकट है कि ऑल्ट इक्वल टू स्लैश बैक स्लैश एलई स्पेस दोगे तो आप देखोगे आपका सिंबल बन के आ जाएगा लेकिन अगर आप सिंबल से यूज करते हो तो आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैक स्लैश आप लेस देन और टाइप करो यू विल सी बिना स्पेस के के आपका जो है वो बन के आ जाएगा सेम गोस फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू कि की इक्वल टू पहले इक्वेशन एडर को ओपन किया देन बैक स्लैश जीई लिखोगे क्योंकि आप करेक्टर लिख रहे हो तो आपको स्पेस देना पड़ेगा तब जाके वो सिंबल आपका बने अगर आप क्या करते हो डायरेक्टली

तो अगर मुझे अंडर बार चाहिए तो ऑल्ट इक्वल टू एक्स स्लैश यू बार अंडर बार इसको बोलते हैं आप स्पेस प्रेस करोगे तो यू आपको ऐसा जैसे बार बाहर जा रहा है। एक से कहीं दोबारा स्पेस प्रेस करोगे यू विल सी प्रॉपर एक्स बार आपका यहां पे क्रिएट होके आ जाएगा सिमिलरली अगर मुझे एक्स हैट टाइप करना है तो ऑल्ट इक्वल टू एक्स स्लैश बैक स्लैश के बाद हैट स्पेस दोगे अगेन दोबारा स्पेस दोगे तो आप देखोगे कि आपका जो हैट साइन है वो प्रॉपर एक्स के ऊपर आ जाएगा तो के साथ वी हैव हाँ टू रिमेंबर कि हमें स्पेस स्पेस को को दो बार यूज करना है स्पेस को कितनी बार यूज करना है हमें दो बार यूज करना है अगर मुझे स्क्विगल साइन चाहिए तो हम बोलेंगे एक्स स्लैश टिल्ट स्पेस अगेन स्पेस यू विल सी कि प्रॉपर आपका एक्स स्क्विगल का साइन यहां पे बन के आ जा रहा है तो इस बेसिस पर आप कंप्लीट करोगे आपकी जितने भी एक्सेंट्स के मैंने चीजें दे रखी है एक चीज में और कवर कर दे रहा हूं यहां पे कि मान लो मुझे एक्स के ऊपर एक सिंगल डॉट चाहिए एक्चुअल में मेरे को याद नहीं आ रही थी कोई नोटेशन यहाँ पे सिंगल डॉट चाहिए पर मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं से अगर आप इक्वेशन एडिटर के अंदर एक्स स्लैश डॉट लिखते हो और स्पेस देते हो तो यू विल सी अगेन डॉट बाहर है एक बार और स्पेस दोगे प्रॉपर डॉट बन के आ जाएगी आपको अगर दो बार डॉट चाहिए आपको क्या चाहिए अगर दो बार डॉट चाहिए तो एक्स बैक स्लैश डबल डी लिख दो बस आप जितने डी आप एड करते जाओगे उतनी डॉट्स लगती चली जाएंगी डॉट तो लिखना ही है डॉट के आगे जितने डी लगेंगे एक डी है तो दो डॉट बनेंगे तीन डी लग रहे हैं एक साथ तो आपको तीन डॉट्स वहां पे दिखाई देंगे सेम फॉर दिस हैश जो डैश बोलते हैं जिसको हम ये आपको काम आएगा एफ डैश एक्स लिखने में डबल डैश लिखना अगर आपको तो आपने बोला कि अगर मुझे डबल डैश चाहिए तो प्राइम के साथ क्या करूंगा मैं एक एक्स्ट्रा पी एड कर दूंगा अगर मैं दो पी एड करूंगा प्राइम के साथ तो मुझे ट्रिपल डैश वहां पर दिखाई देगा मैं इसको दिखा देता हूं ऑल्ट इक्वल टू एक्स स्लैश प्राइम के साथ मुझे दो डैश और चाहिए तो हम तीन बार पी लिखेंगे प्राइम स्पेस एंड यू विल सी कि आपका डैश का जो रोटेशन है असेंबल है वो बन के यहां पे आ चुका है देन कमिंग टू सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट या फिर फॉर्मेटिंग बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको लिखना है यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है टाइप करते हुए जो मैंने ये फर्स्ट चीज लिखी है यहां पे एक्स आई एक अलग टर्म है वन एक अलग टर्म है जो भी पूरी एक्स आई की वैल्यू है उसके अंदर वन अलग से क्या हो रहा है जाके ऐड हो रहा है तो अगर मुझे ये टाइप करना है तो आई विल गो इक्वल टू एक्स अंडर स्कोर आई ठीक है स्पेस स्पेस टाइप करते विल सी कि एक्स के साथ आपका नीचे सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या चला गया आई चला गया प्लस वन विल सी कि प्रॉपर यही चीज आपकी बन के आ रही है

स्पेस फिर हमें क्या चाहिए मल्टीप्लाई का सिंबल चाहिए तो स्लैश टाइम्स स्पेस तो विल सी आपका ये प्रॉपर क्रॉस सिंबल या मल्टीप्लाई का सिंबल बन के आ गया हालांकि अपने एग्जाम में हम चाहे तो यहां पे स्टार यूज कर सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट है कोई दिक्कत नहीं होगी उससे भी तो स्पेस के बाद हम प्रेस्ट बाय टू दी पार एंड स्पेस यू विल सी प्रॉपर आपकी यही चीज जो है वो टाइप होके आ गई है अगर मुझे इस तरह से चीजें प्रेजेंट करनी है तो हम क्या लिखेंगे ऑल्ट इक्वल टू एक्स अंडर स्कोर ए रेस्ट टू दी यू विल सी किस तरह से आपकी चीजें यहां पे प्रेजेंट हो जाएंगी अगर आप चाहते हो नहीं ए की पावर बी पूरा ही कहां रहे सब्सक्रिप्ट में रहे तो उसको कहां डाल दोगे आप ब्राकेट के अंदर डाल दोगे लास्ट चीज जो मैंने बताई है वो खाली है, अगर आपको थोड़ा नीटली इक्वेशन कभी भी प्रेजेंट करनी है कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो ऑल्ट इक्वल टू बैचलेस आरई सी टी ये कमांड यूज करो रेक्टेंगल के लिए है और जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिखना है आप उसके अंदर लिख सकते हो तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आर ई सी टी ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर स्पेस यूल पूरी जो इक्वेशन है वो कहां आ जाएगी आपके रेक्टेंगुलर रे ब्रैकेट के अंदर दिखाई आपको देने लगेगी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स आप हालांकि अपने एग्जाम में से कुछ भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है इट इज टोटली मैटर ऑफ प्रेफरेंस के आपको कैसे उसको लिख के दिखाना है फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो स्क्वेर ब्रैकेट के अंदर ए बाई बी मुझे इस तरीके से दिखाई दे तो ऑल्टवल टू प्रेस करोगे स्क्वाट ओपन करोगे ए स्लैश बी ये फॉरवर्ड स्लैश होगा आपका जो डिविजन वाला होता है देन आपका स्क्वेयर ब्राकेट आप क्लोज करोगे क्लोज करते आप देखोगे अभी आपको ओरियंटेशन कैसे दिखाई दे रही है कि ब्राकेट का साइज छोटा है ए और बी उसके बाहर जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आप स्पेस टाइप करो यू विल सी ब्रैकेट का साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन क्या उसके अंदर लिखा है वो ऑटोमेटिकली साइज को एडजस्ट कर लेगा सिमिलरली अगर मुझे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है तो ऑल्ट इक्वल टू कर्ली ए स्लैश बी ए स्लैश बी कर्ली ब्राकेट हम क्लोज करेंगे अगेन सेम प्रॉब्लम दिखाई दे रही है स्पेस प्रेस करो यू विल सी कि आपके ब्रैकेट्स का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा सेम यू कैन डू फॉर नॉर्मल ब्रैकेट्स नाउ सपोज आपको टाइप करना है ए बाय बी प्लस वन

ब्रैकेट के अंदर बी प्लस वन ताकि इस कंप्लीट बी प्लस वन को क्या मान के चले कि वो एक डिनोमिनेटर है स्पेस प्रेस करा यू विल सी कि आपका बी प्लस वन पूरा कहाँ चला गया डिनोमिनेटर के अंदर चला गया आपको मॉड ए बाय मॉड बी टाइप करना है ये रहा शॉर्टकट आपको पूरा मॉड ए बाय बी लिखना है दिस इज द शॉर्टकट तो दिस डॉक्यूमेंट विल बी हैंडी जब आप टाइपिंग करने जा रहे हो मैं जानबूझ के आधी चीजें करा रहा हूं इसके अंदर और आधी, आधी आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको ये शीट मिल सकती है और कैसे कहां से आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो न कम्स द डिवीजन तो डिवीजन अगेन मैंने बोला आप ये आपका मैटर ऑफ प्रेफरेंस है कि आप कैसे डिवीजन पेपर में शो करना चाहते हो आप ए बाई बी ऐसा शो करना चाहते हो या ए बाई बी आप इस तरीके से शो करना चाहते हो तो देर डिफरेंट टेक्निक आप इसको दिखा सकते हो आप फॉर एग्जाम्पल ए स्लैश बी यूजली आप ये सबसे ज्यादा फॉलो करोगे जब टाइप कर रहे होगे क्योंकि ये सबसे आसान है सॉरी अगर ए स्लैश दिखाना है तो मुझे बैक स्लैश एंड फॉर्वर स्लैश दोनों यूज करने पड़ेंगे देन लिखूंगा मैं तो आप देखोगे इस फॉर्मेट में आपका ए बाई बी दिखाई दे जाएगा अगर आप ऑल्टवल टू के अंदर ए बाई बी लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है उसको ए अपॉन बी उसी तरीके से दिखाता है वो आपको स्लैश नहीं दिखाएगा वो आपको क्या दिखाएगा उनके बीच में एक बार दिखाई देगा अगर आप चाहते हो इस फॉर्मेट में लिखना तो हम क्या करेंगे ए

यूज़ uh, कर रहा है टू न्यूमरेटर में लिखना है क्या में लिखना है अगर आप न्यूमरेटर को अलग से एक ब्रैकेट में डालना चाहते हो तो मेक श्योर वेरी हैंडी जब आपको मेट्रेसिस टाइप करनी है वैसा कि शायद वो मेट्रिक टाइपिंग मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए उनको बट अगर आ जाता है तो हम वो भी टाइप करना सीख लेते हैं यहाँ पे सो मेट्रिक्स आप दो तरीके से टाइप कर सकते हो दोनों में फॉर्मेट सेम है बस मैं कुछ चीजें जो explain कर दे रहा हूं। अगर आप नॉर्मल को दिखाना चाहते हो तो आप पी क्या यूज करते हो तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा आपको हमेशा दिखाई देगा तो अगर मैं इस वाले को टाइप करना चाहता हूँ जो ऊपर तो इक्वल टू स्लैश पी ये आ गया तो पी मैट्रिक्स क्या करेगा ब्रैकेट क्लोज करते मैट्रिक्स फंक्शन को आपके एक्टिवेट कर देगा देन मेट्रिक्स में हम जब भी चीजें फिल कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर ये रो वाइज़ चीजें फिल हो रही हैं। अगर मैं नंबर जब भी लिख रहा हूं अभी तो मैं टाइप कर रहा हूं चीजें ये रो वाइज़ चीजें चल रही है कि पहली रो आप लिख दो सबसे पहले तो x अंडर स्कोर वन वन या आप मान लो ये नहीं लिखना चाहते जो मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो पहली रो में आए आपका a, देन b, देन आपका सी आपकी पहली रो कंप्लीट हो गई अगर आप क्या चाहते हो आपके कॉलम्स तीन रहे तो ये पहली रो आपकी कंप्लीट हो गई देन नेक्स्ट रो में आने के लिए आप क्या यूज करोगे एट द रेट सिंबल नेक्स्ट रो में आने के लिए क्या यूज करोगे आप एट द रेट सिंबल और वहां पे से आपने टाइप करा डी देन आपका एंड ई एंड एफ तो एंड हम यूज कर रहे हैं विद इन रो चीजों को सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट रो में लाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं एट द रेट यूज कर रहे हैं ब्रैकेट क्लोज करा स्पेस दबाया यू विल सी आपकी मेट्रिक्स यहाँ पे टाइप होकर आ चुकी है और जो ब्रैकेट वहां पे यूज हुए हैं वो कैसे ब्रैकेट हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स स्क्वेर ब्राकेट्स करें सिमिलरली सॉरी नॉर्मल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं अगर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में चीजों को लिखना है तो ऑल्ट इक्वल टू टाइप करके मेरा इक्वेशन एडिटर को हाईलाइट कराऊंगा सबसे पहले देन अपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे और उसके अंदर क्या लिखेंगे है? हम मेट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे आप मेट्रिक्स लिखोगे देन अपने नॉर्मल ब्रैकेट्स को आप ओपन करोगे तो नाउ सी मैं यहां पे टू बाई टू की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मैं मैं इसको एंड 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 द रेट से देन अपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और स्पेस टाइप करूंगा ताकि वो साइज को क्या करे ऑटोमेटिकली वहां पे एडजस्ट कर ले तो आपकी जो एंट्रीज है विद इन रो उनको आप सेपरेट कराओगे यूजिंग कौन सा करेक्टर आपका एंड करेक्टर आपको नेक्स्ट रो में जाना है तो वहां पे कैसे जाओगे यूजिंग क्या आपका एट दी रेट करेक्टर एक और शॉर्टकट है कि अगर आपको कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप करनी है तो इनमें से कुछ मत करना वो इन बिल्ट है आर के अंदर बस आपको सॉरी वर्ड के अंदर आपको क्या लिखना है बैक स्लैश आइडेंटिटी मेट्रिक्स स्पेस यू विल सी आपका आइडेंटिटी मेट्रिक यहां पे क्रिएट हो क्या आ गया ब्रैकेट का साइज अभी एडजस्टेड नहीं है तो स्पेस प्रेस करोगे वो साइज भी क्या होगा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा देन नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा रूट्स रूट्स का कि अगर मुझे स्क्वायर रूट चाहिए चाहिए या क्यूब रूट रूट तो स्क्वायर काू आर टी फंक्शन है जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में होता है एसक्यू आर टी स्पेस एक्स या स्पेस एक्स देन फिर से स्पेस टाइप करोगे यू विल सी कि आपका जो रूट का साइज है वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्रेशन वो उसको एडजस्ट कर लेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आता हूं ऑल्ट इक्वल टू बैक स्लैश एसक्यूआरटी स्पेस स्क्यूआरटी के बाद आपको स्पेस देना है ये ध्यान रखना जैसे ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया एक्सप्ल वन ठीक है तो यू विल सी अभी तो रूट आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है अब जैसे आप दोबारा से स्पेस प्रेस करोगे यू विल सी कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्रेशन जो आपको रूट के अंदर डालना है उसका साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा क्यूब रूट के लिए भी इनबिल्ड कमांड है आपका सीबीआरटी की जगह और आपको अगर रेस टू दी पार वन बाय फोर निकालना है तो आपका क्यूडीआरटी फंक्शन है आपको अगर इन जनरल आपको इन जनरल कोई भी पावर और कोई भी रूट निकालना है तो आप क्या कर सकते हो इक्वल टू हैश एसक्यू आर टी के बाद देन ब्रैकेट के अंदर मैंने बिना स्पेस के लिखा ब्रैकेट के अंदर एन एंड एक्स यहां पे n बता रहा है आपको किस ऑर्डर का आपको रूट निकालना है और किस क्वांटिटी का निकालना है वो क्या है आपका x है स्पेस प्रेस करो यू विल सी n आपका कहां पहुंच गया जिस ऑर्डर का आपको स्क्वायर रूट निकालना था और जो क्वांटिटी है वो कहां आ गई आपकी रूट के अंदर आपको दिखाई दे रही है सेम चीज हमने यहां पे फॉलो करी या इससे जाओ आप या फिर इससे जाओ दैट इज सेम थिंग आप दोनों में से कोई भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो जो आपको याद कॉलिटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पूरा फॉर्मूला है वो भी इन बिल्ड के अंदर सेव्ड है अगर आप द नेक्स्ट कैटेगरी जहां पे हमें प्रोडक्ट है या सम है या इंटीग्रल चाहिए तो समेशन हम दो तरीके के यूज करते हैं एक समेशन हम वो यूज करते हैं लिमिट्स नहीं दिखा रहे हैं अगर आपको बिना लिमिट के समेशन लिखना है तो ऑल्ट इक्वल टू हैश सम स्पेस के बाद आप क्या लिखोगे वो चीज जिसके ऊपर आप समेशन चलाना चाहते हो मैं एक्स के ऊपर चलाना चाहता हूं इसलिए मैंने हैश सम एक्स लिखा है अगर मैं यही वाई के ऊपर चलाना चाहता तो मैं यहाँ पे वाई टाइप कर देता एंड सेम फॉर फोर प्रोडक्ट की सम की जगह बस मैं क्या यूज करूंगा आपका प्रोडक्ट सिमिलरली अगर मैं हैश आइडेंटि टाइप करता हूं और स्पेस प्रेस करता हूं तो यू विल सी आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाता है

लिखना है विदाउट एनी लिमिट्स अगर आपको विद लिमिट्स लिखना है सम, मानो summation आपको with limits लिखना है, तो इक्वल well तो टू ये, ये आपकी बनेगी लोअर लिमिट एक तरीके से जो आप समेशन में नीचे प्रिंट कराना चाहते हो रेस्ट टू कैपिटल एन ये क्या बनेगा जो जहां तक आप समेशन को चलाना चाहते हो Then, ये पार्ट आपका हो गया, आप प्रेस करोगे स्पेस, एंड जो भी आपको लोअर लिमिट so तो लिखना है वो ब्रैकेट में लिखेंगे पावर के बाद क्या लिखा जाएगा आपकी अपर लिमिट जो समेशन के ऊपर आपको लगानी है यही कुछ तरीका हम फॉलो करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर भी सो इक्वल टू Hash int, ये क्या बनाएगा? आपका इंटीग्रेशन इंडेफिनेट बनाएगा अंडरस्कोर लगाते उसको समझ में आ जाएगा कि अब हम और सेट करना चाहते हैं। अगर वो नंबर है तो बहुत अच्छी बात है इंटीग्रल तो है उसकी लोअर लिमिट थ्री है और अपर लिमिट क्या है उसकी फाइव जो फंक्शन अंदर लिखना है आप उसको लिख सकते हो कंट्रोल करके आपको जानबूझ के कॉम्प्लीकेटेड चीज दिखा रहा हूं कि अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिखना है तो वो कैसे लिखा जाए तो हम लिखेंगे ऑल्ट इक्वल टू हैश आई एन टी अंडर स्कोर माइनस इंफिनिटी तो माइनस टाइप करेंगे बैक स्लैश इन्फिनिटी के लिए हम लिखते हैं आई एन एफ टीवाई इंफिनिटी नहीं लिखते आई एन एफ टी वाई बैक स्लैश आई एन एफ टी वाई आपका इन्फिनिटी का सिंबल क्रिएट कर देता है मैं माइनस के साथ लिख रहा हूं तो माइनस इन्फिनिटी क्रिएट करेगा और पावर वाली चीज को इसके साथ लिखा जाएगा तो पावर है मेरी प्लस इन्फिनिटी तो बैक स्लैश आई एन एफ टीवाई स्पेस तो यू विल सी दोबारा आप स्पेस प्रेस करोगे जब कि आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों यहां पे सेट हो गई हैं। अब अंदर क्या टाइप है मुझे ई रेस्ट टू दिखनी पावर पावर के अंदर क्या है एक आपका आई है ठीक है आई के बाद क्या है सिंबल है ओमेगा तो बैक ओमेगा स्पेस एक्स स्पेस डी एक्स यू विल सी आपका ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पे टाइप होके आ चुका है एंड जिस तरह से क्वाड्रेटिक का इनबिल्ट फंक्शन है बाइनोमियल का भी इनबिल्ट फंक्शन वर्ड के अंदर है अगर आप हैश बाइनोमियल लिखोगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है जो एन की इंटीजर वैल्यूज के लिए काम करता है यू विल सी वो एज इट इज यहां पर टाइप होकर आ जाएगा लास्ट so सेक्शन हमारा लिमिट्स क्या मुझे लिमिट्स टाइप करनी है तो क्या करें सो so आप लिमिट्स के लिए एक ध्यान आप, नहीं करोगे। आप खाली इक्वेशन एडिटर में जाओगे हो कि इटालियन होता है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे इटालिक से चेंज होकर क्या हो गया आपको नॉर्मल में आपको चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है तो जहां पे आप क्या लिखोगे अपनी लिमिट तो एक्स टेंड कर रहा है टेंडिंग के लिए सिंबल है दैट इज बैक स्लैश राइट एरो

दे जाएंगे सो so, इस डॉक्यूमेंट का सीधा सीधा पर्पज ये एग्जाम में आप चाहो तो यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो जहां पे मैंने मोर और लेस जितने भी तरह के आपके ग्रीक लेटर्स होते हैं समेशन होते हैं इंटीग्रेशन होते हैं उन सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है अब आपको डाउनलोड कहां से करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ रहा हूं जो जो आपको हमारी मोबाइल ऐप पे लेके जाएगा वहां से आप चाहो तो इस शीट को फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको ये वहां पे शीट आपको मिल जाएगी वहां से आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज योर सी स्पेसिफिक अगर मुझे टाइपिंग करनी है सीम स्पेसिफिक टाइपिंग करनी है नेक्स्ट वीडियोज हम उसके ऊपर बनाएंगे थैंक यू